सो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले आपको थंबनेल की भी ज़रूरत पड़ती होगी एंड थंबनेल लगाते भी होंगे बहुत लोग। और जो जो भले थंबनेल नहीं लगा पाते हैं, मैं आपको थंबनेल लगाने की बात करता हूँ, जो मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला है। आप देख लीजिए, पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आप थंबनेल, मैं आपको बताऊँगा मनोज दी की तरह मैं थंबनेल आपको बताऊँगा कि कैसे बनाना है। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देख लीजिए, मैंने मनोज दी के तरीके से थंबनेल बना के रखा हुआ, देख लीजिए। ऐसे ही आपको थंबनेल बनाना है, देख लीजिए। मैं आपको इस तरह का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, ऐसे ही आपको थंबनेल भी बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यही लेकर आऊँ। जब तक आप थंबनेल नहीं लगाते हैं तब तक आपके वीडियो पे लाइक एंड व्यूज नहीं आता है। चलिए क्या करते हैं, पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपको थंबनेल बनाने के लिए पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, चले हम प्ले स्टोर से बताते हैं। क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है एंड यहाँ से सर्च करना है। क्या सर्च करना है अभी मैं बताता हूँ, अभी देख लीजिए, मैं सर्च कर लेता हूँ। इतना सर्च करने के बाद आपको सर्च कर लेना है, क्या सर्च करना है, पिक्सल लैब। पिक्सल लैब सर्च करने के बाद मैं आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है एंड यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा एंड ये देख लीजिए, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। एंड यहाँ से क्या करना है, ये जो टेक्स्ट वाला है ना, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से डिलीटर है, यहाँ पर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में आप क्या करना है, इस इमेज के साइज़ के थंबनेल में चूज़ करना है। तो ये थ्री डॉट पे आ जाएंगे एंड थ्री डॉट पे आने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, थ्री डॉट पर आने के बाद में आपको जो इमेज साइज यहाँ पर दिख रहा होगा, इमेज साइज, यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस वाले पे आप यूट्यूब थंबनेल कर लीजिए एंड यहाँ से कर लीजिए ओके। क्या कर लीजिए, तो ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद में आप देख लीजिए आपका साइज रिसाइज हो गया है, जो कि यूट्यूब थंबनेल में चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में आपको इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे आपको करने के लिए आपको पहले आ जाना होगा इस वाले ऑप्शन पे। क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड इसके बाद में आपको यहाँ से एक कलर चूज़ करना है। इस कलर वाले पे आ जाना है, कलर वाले पे आपको कलर चूज़ कर लेना है। अगर आप इस कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं इस वाले पर, तो आपको कलर चूज़ करना है। अगर ग्रेडियंट पर आ जाते हैं तो आपको एक थंबनेल के तरीके से दिखाई देगा, तो ग्रेडियंट पर आ जाते हैं एंड यहाँ से आपको पहले से कलर चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम इसको चूज़ कर लेते हैं। इतना करने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे आना है। प्लस वाले पे आने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, पहले तो ये दो ट्रिक आपको ऐड करने होंगी। कौन सी, ये देख लीजिए, पहला तो आपको ये वाला है एंड दूसरा को ये वाला है। ए वाला है जो कि मतलब पहला वाला है, ये है ये नीचे की तरफ का, क्या है, ये नीचे की तरफ का एंड जो दूसरा वाला है ए वाला, दूसरा वाला है ये ऊपर की तरफ का है। तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जैसे भी रखना है, जैसे कि इधर का रखना है एंड ऐसे रखना है तो ऐसे रख लेते हैं हम। इसके अंदर आपको कलर के, जैसे कि यहाँ को व्हाइट वाले को चेंज करते हैं, तो व्हाइट वाले को कलर चेंज करने के लिए पहले तो आपको आ जाना है इस कलर वाले ऑप्शन पे। कलर वाले आने के बाद में आपको यहाँ से जैसे कि हमको ग्रीन रखना है, तो क्या करना है, ग्रीन रखना था, ग्रीन वाले पर ले जाएंगे एंड ऐसे थोड़ा कम कर देंगे, इसको भी थोड़ा कम कर देंगे। इतना करना आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ से क्या करना है, ओके कर लेना है। क्या करना है, ओके। ओके करने के बाद में आपको देख लीजिए, फिर से आपको इस पर आ जाना है, जो यहाँ से आपको इतना करना है, इसको फुला फुल कर लीजिए एंड इतना करने के बाद में आपको यहाँ से आप देख लीजिए ये आला हो गया हमारा फोटो, इसको फिर यहाँ से इतना कर ले आ जाए एंड फिर से आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पर। क्या, इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड यहाँ से भी कलर आपको, जैसे कि आपको इसको थोड़ा सा ब्लैक रखना है। क्या करना है, थोड़ा सा आपको ब्लैक में रखना है, ब्लैक में रखना है थोड़ा, तो इतना कर लेना है आपको एंड यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ से ओके कर लेना है। आप देख लीजिए कैसे थंबनेल हमारे बना है, ये देख लीजिए ऐसा बनेगा एंड यहाँ से क्या करना है, फिर से आपको कर लेना है डन, राइट वाले क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको थंबनेल कैसे बनाना है देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, आपको आ जाना है इस प्लस वाले आइकन पर, ये जो ऊपर की तरफ प्लस वाला आइकन है, यहाँ पर आ जाना है प्लस वाले पर आने का एंड यहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको यही वाले ऑप्शन पर रहना है जहाँ से आप यहाँ पर थे, यहाँ पर थे आपको इस पर रहने के बाद में आपको तो यहाँ पर आ जाना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने आपको कुछ ऐसा तरीके से इंटरफेस आ जाएगा एंड इतना करने के बाद में आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पर। क्या क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अभी देख लीजिए आपको कहाँ ले जाना है, या इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड इस वाले पे आने के बाद में आपको जो ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा, कहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ से जो व्हाइट ही रखना है आपको, व्हाइट ही सेलेक्ट करके रखना है। ये जो गेरा है ना, इसको मैनेज कर देना है एंड इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपको फिंगर को पानी रखना है। क्या करना है, आपको इस तरीके का फिंगर आपको रखना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसे राइट कर लेना है। राइट करने के बाद में इसको सेव कर लेना है, पाने गैलरी में सेव कर लेते। सेव करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से फिर से जो कलर आप बनाए थे फिर से यहाँ से ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेना है एंड यहाँ से जो वाला है इसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ से इतना करने के बाद में आपको जो अभी बनाया है आपने ना, इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करना है, ऐसे प्लस वाले पर आना है एंड यहाँ से
फ्रॉम गैलरी पे आ जाना है। गैलरी पे आने के बाद में ये देख लिया हमारे यहाँ पर आ चुका है, इसको हम क्या करते हैं अभी ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं पहले इसको, ऐड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हो गया हमारा। इन्हें ऐसे साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ऐसे रख लेंगे। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि अपने यहाँ पर फोटो की सेलेक्ट करेंगे। सो दोस्तों इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपना एक फ़ोटो है वो जो कि आपको अपने बैकग्राउंड को हटा देना है, रिमूव कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ से रिमूव कर देना है अपने गूगल से, एंड इसके बाद में आपको यहाँ से प्लस वाले पे आ जाना है, एंड वो जो फ़ोटो आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, उसके यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। चलिए हम ऐड कर लेते हैं पहले अपने गैलरी से। ऐड करने के लिए हम आवाज़ देते हैं अपने गैलरी में, एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में आपको इस तरह का कुछ आएगा ना, फिर ऐसे आपको सेट कर देना है। क्या ऐसे आपको सेट कर देना है अपने फ़ोटो को, एंड इतना करने के बाद में आपको फिर क्या करना होगा, आपको एक यूट्यूब का जो लोगो है इसको डाउनलोड करके रखना है। यूट्यूब का लोगो डाउनलोड कर लीजिए, एंड यहाँ से उसको भी ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए हम अपने गैलरी में चलते हैं, एंड यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये देख लीजिए हमारा लोगो, एंड यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे ये देख लीजिए, ऐसे क्या करना है, पहले इसको हम यहाँ से रख देंगे, ऐसे ही चुपचाप यहाँ पर रखना रहने देंगे। एंड यहाँ से आपको फिर से आ जाना है प्लस वाले आइकन पे, एंड यहाँ से आ जाना है सेक्स वाले ऑप्शन पे। क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, एंड यहाँ से इस तरह का कुछ लेयर बन जाएगा आपका, इस तरह का बन जाएगा। इसको ऐसे कर देना है, एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। क्या करना है, ऐसे आपको छोटा कर देना है, ये देख लीजिए ऐसे कर लेना है। इसको कलर को कैसे रखना है देख लीजिए, कलर है आपका यहाँ से ग्रीन में आ जाने हैं। क्या करना है, फिर ऐसे प्लस कर देना है, एंड जो यहाँ वाला है ना इसको वाइट ही रखना है, इसको वाइट ही रखना है। क्या करना है, इसको वाइट ही रखना है, थोड़ा सा इसमें रख लेंगे हैं। और जो दूसरा वाला है इसको थोड़ा सा ब्लैकिंग रखेंगे, क्या थोड़ा सा ब्लैकिंग रखेंगे। इतना करने के बाद में आपको गलत हो गया, देख लीजिए अभी यहाँ पर हमारा फिंगर जो है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है अभी देख लीजिए ऐसा कर लेना है। एंड इतना करने के बाद के आपको फिंगर अपने ऊपर लाना है। क्या करना है, फिंगर आपको अपने जो ये लेयर आपने बनाया है उसके ऊपर लाना है। उसके क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जो कि ये इसको पकड़ के यहाँ से आपको इसके नीचे ले आना है। एंड देख लीजिए हमारा ऐसे आ गया। इतना करने के बाद में आपको यहाँ से एक यहाँ से आपको टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इस पर क्लिकेंगे, एंड यहाँ से टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट में क्या लिखना है आपको अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे कि हमें थंबनेल बनाना दिखाना है ना, थंबनेल यहाँ पर लिख दिया। थंबनेल लिखने के बाद में आपको क्या करना है, थंबनेल लिख लेना है, जिससे कि हमारे ये देख लीजिए हिंदी में आएगा। फिर से हम कट करके टेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ से एडिट कर लेना है, ऐसे थंबनेल फिर से लिख लेंगे, थंबनेल लिख लेना है। थंबनेल लिखने के बाद में आपको ओके कर देना है, एंड यहाँ से आपको यहाँ पर ऐसे ही लगा देना है, ये देख लीजिए ऐसे ही लगा लेना है। आपको फॉन्ट चेंज कर देना है, फॉन्ट कौन सा लगेगा ये देख लीजिए, फोन भी लगा देते हैं। फोन लगाने के बाद में आपको कुछ ऐसे आपको बढ़ा देना है इसको, देख लीजिए, एंड आपको ऐसे ही बढ़ा देना है। ऐसे करने के बाद में आपको कलर भी चेंज कर देना है, देख लीजिए। कलर चेंज करने के लिए आपको आ जाना है इस कलर वाले ऑप्शन पे। क्या करना है, वो कलर वाले ऑप्शन पे आना है, एंड यहाँ से येल्लो इसको कर लेते हैं, इससे कि हमारा फ़ोटो अच्छा लगेगा। येल्लो कर लेते हैं, येल्लो करने के बाद में आपको देख लीजिए यहाँ से इतना अच्छा लगेगा। सो गाइस इतना करने के बाद में आपको जो यहाँ से आपको यूट्यूब मिला था, यूट्यूब आपने लगाया था ना, यहाँ से यूट्यूब पे आ जाना है। फिर से आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब को आपको कुछ ऐसे ही टेढ़ा कर देना है। क्या करना है, ऐसे टेढ़ा कर लेना है। टेढ़ा करने के बाद में आपको यहाँ से आ जाना है इस वाले ऑप्शन पर। क्या करना है, साइड वाले ऑप्शन पर देख लीजिए, यहाँ साइड वाले पर आना है, इनबिल्ट कर देना है इसको। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड 14 कर देंगे, एंड इस वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ से राइट कर लेंगे, राइट करने के बाद में आपको यहाँ से लिखना है कैसे बनाएं, ठीक है कैसे बनाएं। फिर से एक टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे लिख लेना है कैसे बनाएं, ये देख लीजिए। टेक्स्ट लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है इस वाला एडिट कर लेना है आपको, कैसे बनाएं लिख लेते हैं, कैसे बनाएं। इतना लिखने के बाद में आपको इसको कहाँ सेट कर देना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। एंड यहाँ से क्या करना है, फिर आपको यहाँ से कुछ लिख लेना है, जैसे कि आप अपने मतलब चैनल का नाम लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ से लिख लेते हैं हम। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ से इसको ऐसे ही लगा लेना है। इसको आपको फॉन्ट भी चेंज कर देना है, इसका चेंज कर दीजिए क्योंकि आपको इसको चेंज करना है। फॉन्ट हम डाउनलोड करके इसको लगा देते हैं, एंड इतना चेंज करने के बाद में आपको यहाँ से इसको ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के लिए ऐसे ही कर देना है, सीधा करके रखना है, ठीक है
तो इतना करने के बाद में आपको आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई प्लीज़, हम भी मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।